चलिए स्वागत है आप सभी का। लेस देन वन मंथ टू गो फॉर द मे 24 एग्जाम्स, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे पेचीदा एग्जाम ICA की हिस्ट्री की, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब IBS के बारे में इंस्टीट्यूट को जो मटेरियल देना था वो दे चुका है, मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, RTP दे दी, 15 के स्टडीज दे दी, स्टूडेंट्स जर्नल में भी IBS दे दिया, तो अब ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट अब कुछ नया नहीं देगा। मॉक टेस्ट का शायद पेपर 2 आ सकता है, बट उसमें 5 केस स्टडी, तो मोटा मोटी इंस्टीट्यूट को जो देना था वो दे चुका है। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, एड्रेस अ फ्यू थिंग्स अबाउट IBS, टिपिकली IBS की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने का ये सही टाइम है। ठीक है, तो IBS की स्ट्रेटेजी सर डिपेंड करेगी ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। मे 24 में IBS के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं। सबसे पहला क्लियर ग्रुप 1 लॉन्ग वे बैक बट अपियरिंग इन ग्रुप 2, तो उन्होंने मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2012, 17, 21, 18 में ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है, ग्रुप 2 बाकी है, और अब लोग उन लोगों को ग्रुप 1 याद नहीं है। ऑफ कोर्स 3-4-5 साल का किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, FR में उन लोगों ने AS पढ़ रखे हैं, ऑडिट पुराना, SFM पुराना। ठीक है, Never studied group 1 and appearing for group 2, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने सिर्फ ग्रुप 2 प्रिपेयर किया है। ठीक है, और या तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने कभी भी ग्रुप 1 प्रिपेयर नहीं किया था और सिर्फ ग्रुप 2 प्रिपेयर करते करते आ रहे थे और अब ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने DT, IDT, ओल्ड का इलेक्टिव और SCMP पढ़ा होगा और अब वो एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ DT, IDT पढ़ा है, मतलब टिपिकली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, उन लोगों ने सिर्फ DT, IDT पढ़ा, SCMP नहीं पढ़ा, बिकॉज मे 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें SCMP नहीं आने वाला, और 5 सब्जेक्ट्स जिन्होंने स्टडी किए और लॉ SCMP नहीं किया, ये टिपिकली मे 24 फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स है, ये वाले मे 24 फर्स्ट अटेम्प्ट, इसमें भी मे 24 फर्स्ट अटेम्प्ट ही होंगे लेकिन उन लोग सिर्फ ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, आप अपने आप को इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने एक 25 केस स्टडीज का आपको एनालिसिस दिया था, 25 केस स्टडीज का, जिसमें 15 प्लस 3 जर्नल की प्लस 2 RTP की प्लस नवंबर 23 का जो एग्जाम पेपर था उसकी 5, 25 केस स्टडीज का एनालिसिस दिया था। अब रोहित चिप्पर सर है, उन्होंने भी IBS का एनालिसिस किया था, लेकिन उन्होंने जो एनालिसिस किया था वो हिस्टोरिकली जितनी भी IBS की केस स्टडीज आई हुई है उनका एनालिसिस किया है। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर आपने कैसे किया। ठीक है, मैंने जस्ट 1-2 घंटा पहले उनसे बात की कि सर आपने कैसे किया, तो उन्होंने जितने भी अटेम्प्ट्स में पेपर 6F ओल्ड में आया हुआ है उसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है, प्लस 15 केस स्टडीज का जो करंट का एनालिसिस किया है। उनके एनालिसिस में RTP, स्टूडेंट्स जर्नल और नवंबर 23 शायद इंक्लूडेड नहीं है, शायद है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है। मैंने बोला ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, मैंने सर को बोला कि सर एक काम करता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है या ग्रुप 1 कभी पढ़ा ही नहीं है और उनको कुछ हेल्प चाहिए, उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो क्या मैं आपका एनालिसिस यूज कर सकता हूं। सो ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने बोला हाँ कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपना 25 का एनालिसिस था उसमें उनका एनालिसिस ऐड कर दिया। सिंपल, उन्होंने जो एनालिसिस कर रखा था उसमें मैंने अपना एनालिसिस ऐड कर दिया, तो मैंने अराउंड 86 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था एक्सक्लूडिंग 15, मतलब मैंने टोटल 200 का किया था, लेकिन 1-15 का तो सर ने भी कर रखा है तो मैंने वो हटा दी। ठीक है, तो जितने भी टोटल क्वेश्चंस थे उसका मैंने एक बार टोटल लगाया, आया 1524, 6F प्लस 15 केस स्टडीज प्लस 2 जर्नल, 2 RTP की प्लस 3 जर्नल की, इतनी मिला के टोटल 1524 क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपके सामने लगा रहा हूं, 1500 क्वेश्चंस का। सिंपल, मैंने ये सोचा कि अगर सिर्फ 25 केस स्टडीज के एनालिसिस के बेसिस पे मैं अगर कुछ कंक्लूजन निकालने जाऊंगा उससे अच्छा मैं अपने जो एनालिसिस है उसका बेस बढ़ा दूं, और इसलिए मैंने रोहित सर का एनालिसिस यूज किया। ठीक है, तो अब ध्यान देना, वेटेज AFM 7%, ऑडिट 14% दिख रहा है। ठीक है, AFM जो है वो 7%, ऑडिट जो है, ऑडिट वो है सर 14%। ठीक है, DT जो है वो है 19%, ध्यान देना। FR है
25% इसके बारे में बोल रहा हूं, 25 के बारे में। आईडीटी जो है 7%, लॉ 23% और एससीएमपी 5%। ठीक है, तो ये आपका टोटल जितना भी केस स्टडीज आज तक आया है उसका एनालिसिस है ये, सब्जेक्ट वाइज ये मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ध्यान दो, अभी ये जो एफआर का 25% देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार एफआर में कैसे करेंगे, तो उसमें ध्यान दो, जो पहली 25 केस स्टडीज है ना, पहली 25 उसमें जो एफआर है ना वो 13-14% ही है अप्रोक्स, और ये 13 से 25 का जो जंप है ना, 13 से 25 का जंप, इट इज बिकॉज ऑफ ओल्ड केस स्टडीज। पहले इंस्टीट्यूट एफआर पूछ पूछ करता था, अब नहीं करता। देखो यहां पे 25 से घट के 13% हो गया, और बाकी आपका जो लीस्ट है वो एससीएमपी है, और जो हाईएस्ट है एफआर को अगर जाने दो, एफआर को कंसीडर ना करो क्योंकि एफआर पुरानी केस स्टडीज के बदौलत बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके बाद आता है आपका डीटी। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान दें, आप लोगों को करना क्या है, मैं इन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं अभी फिलहाल, इन दो स्टूडेंट्स को जिनको ग्रुप वन का कोई आइडिया नहीं है। आप लोग डीटी आईडीटी तो मैंडेटरीली करोगे, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप लोग ग्रुप टू में अपियर कर रहे हो, तो डीटी आईडीटी तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कर लो। उसके बाद आप लॉ कवर करो। ठीक है, अब लॉ आप कैसे कवर करोगे, तो आईसीआई का मटेरियल ले लो, ठीक है, प्लस मटेरियल का इंडेक्स जो मैं मैक्स मैं खुद कल तक शेयर कर दूंगा, और उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप एक मटेरियल का इंडेक्स ले लो लॉ का, प्लस यूट्यूब पे रिवीजन देख लो लॉ के लिए। अच्छा, ये रिवीजन देखते टाइम आपको सोचना कैसे है, मैं आपको बहुत बच्चों वाली चीज समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका 10th 12th का कोई एग्जाम है। ठीक है, मैं आपका दोस्त हूं, मैंने आपको बोल दिया तू टेंशन मत ले, कल एग्जाम में जा, मैं तेरे को चीटिंग करा दूंगा, कैसे, मैं तेरे को बुक दे दूंगा एग्जाम में। तो आप बोलोगे तू मुझे बुक तो दे देगा, मैं लिख भी लूंगा, लेकिन उस बुक में क्या है वो भी मुझे नहीं पता। तो मैंने आपको बुक में क्या क्या है, कहां कहां पे, उसका एक आइडिया दे दिया, फिर मैं कल आपको बुक दे दूंगा। समझ में आ रही है बात, मैंने आपको कैसे उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं। आपको सिर्फ बुक में क्या क्या चीजें है, चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, उसका एक अवेयरनेस लेना है। अब वो दो चीजों से आ सकता है, सबसे पहले तो आप यूट्यूब देखोगे, फिर मैंने जो इंडेक्स बनाया है वो सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज बनाया है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। एंड केस स्टडी में जितना लॉ है वो तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूं, तो आपका लॉ का बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप आईबीएस के रिलेटेड लॉ अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन आया इंडेक्स में से देख के आप लिख के आ सकते हो। तो आपको एक तो इंडेक्स स्टडी करना है और यूट्यूब पे रिविजन देखना है, और सिंस यू आर ओनली अपियरिंग फॉर ग्रुप टू, आपका डीटी आईडीटी का एक आध दो रिविजन ही बाकी होगा, तो आप लॉ में टाइम दे सकते हो। तो लॉ कैसे करना है, आईसीआई का मटेरियल आप मंगवा लो, मंगाने में टाइम नहीं डालना है तो प्रिंट निकलवा लो, इंडेक्स मैं दूंगा उसका प्रिंट निकलवा लेना, और यूट्यूब से ग्लांस करना, पढ़ने मत बैठना, यू आर नॉट गोइंग टू अपियर फॉर लॉ एग्जाम, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एन एग्जाम जिसमें लॉ आएगा थोड़ा सा, तो आपको उतना दिमाग लगा के ही पढ़ना है, और आपको अवेयरनेस चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या आ रहा है, आपको पूरा पूरा लॉ पढ़ने नहीं बैठना। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट, म्यूटेटिस म्यूटैंडिस सर, लेकिन आईसीआई का मटेरियल आप ऑडिट का निकलवा लेना, आपके पास हो गई, इसका इंडेक्स अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली, क्योंकि अगर मैं ऑडिट का इंडेक्स बनाने बैठा तो जन्म लग जाएगा मेरे को। ठीक है, एग्जाम के बाद बनेगा, जो फीजेबल नहीं है। यूट्यूब पे रिविजन ऑडिट के भी है। ठीक है, तो ऑडिट में मैं आपको इंडेक्स नहीं दे पाऊंगा, आप यूट्यूब रिविजन से ही एक रफ इंडेक्स बना लेना, आप खुद बना लेना। ठीक है, तो लॉ और ऑडिट को आपको कैसे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है कि कल आपकी एग्जाम है, आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बुक दे रहा हूं कि जा चीटिंग कर लेना, लेकिन आपको नहीं पता कि बुक के अंदर क्या है, तो मैं आपको उसका अवेयरनेस दे रहा हूं। किससे आएगा अवेयरनेस, यूट्यूब से आएगा, लॉ के लिए इंडेक्स से आएगा, और ऐसे मटेरियल से, और ऑडिट के लिए आपको यूट्यूब से आ जाएगा, ऑडिट का मटेरियल ले लेना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल आप आईसीआई का यूज करो, मटेरियल के बारे में एक थंब रूल सुन लेना, नो व्हाट यू कैरी, ये मैं हमेशा बोलता हूं, आपकी बुक में क्या है, कौन से पेज पे है,
कौन से चैप्टर में है वो आपको पता होना चाहिए, जो भी बुक आप कैरी कर रहे हो उसको, ठीक है। और फैकल्टीज जो बुक्स इश्यू करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ के, वो पूरा सब कवर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाट यू कैरी। अब इसमें आपकी चॉइस है कि आप फैकल्टी की बुक प्लस फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक ले जाओ या ICA का स्टडी मटेरियल ले जाओ जो आपको फीजेबल लगे, बट नो व्हाट यू कैरी, ठीक है। कौन कौन सी बुक कैरी करनी है उसका भी गाइडेंस अभी दे रहा हूं। तो आप DT, IDT और लॉ प्रिपेयर करोगे और ऑडिट प्रिपेयर करोगे। DT, IDT आप फुल प्रिपेयर करोगे और लॉ और ऑडिट आप नीचे ऐसे मैंने गाइडेंस दिया उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे। बचा SCMP, SCMP का 5% वेटेज है, ठीक है। अब SCMP में ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने SCMP पढ़ रखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। अब SCMP में आपको क्या करना है, सेम बुक कैरी करनी है एंड अगेन टाइम बचे तो देखो वेटेज 5% है तो इसको छोड़ के SCMP प्रिपेयर करने मत बैठना, पहले ये दो हो जाए उसके बाद SCMP में भी सेम SCMP में भी आप मटेरियल ले लेना प्लस YouTube, ठीक है, और जर्नल में और RTP में कुछ SCMP के कंसेप्ट्स मैंने पढ़ा है तो वो आप कर लेना, ठीक है। लेकिन ये हो जाए ओनली आफ्टर लॉ प्लस ऑडिट, ओनली आफ्टर लॉ एंड ऑडिट, उससे पहले नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करना है। सर FR, आई एम सॉरी टू से बट यू विल हैव टू लीव FR अलोन, उसको छोड़ दो, अनलेस जो मैंने केस स्टडीज करा रहा हूं उसमें से आ जाए तो करना ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद का FR छोड़ दो। सर 25% है, बात समझो 25% है वो आया है 13% से, तो जो नया वेटेज है वो 13% है और नया AFM का वेटेज तो सिर्फ 5% है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में है, ठीक है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो चीज आप कर सकते हो उसके पीछे भागो। आप अगर मैं जो बता रहा हूं वो करोगे तो आप 68% कवरेज कर पाओगे, 1500 क्वेश्चंस का 68% कवरेज कर पाओगे। अपन को एग्जेम्पशन के लिए 60% चाहिए रहता है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीजों के पीछे आपको भागना पड़ेगा, कुछ चीजों में ट्रिक लगेगी, कुछ चीजों में फुल फ्लेज आपको प्रिपरेशन लगेगी। DT IDT फुल फ्लेज प्रिपरेशन, लॉ ऑडिट ट्रिक, FR AFM आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट होते जिसके पास टाइम है, जिसके पास रिसोर्सेस है, जिसके पास सब है, तो ऐसी गाइडेंस मैं कभी ना देता, बिकॉज पर्सनली आई बिलीव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। मैं शॉर्टकट से प्रिपेयर करने को नहीं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन यू गाइज आर इन अ वेरी ट्रिकी पोजिशन, तो आपको ट्रिक करके पास तो होना है ना, अल्टीमेटली पास होना है अपन को। तो बाय हुक और बाय क्रूक दिस इज द स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। अच्छा, जो मॉक टेस्ट का इस बार मैंने पेपर देखा उसमें मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की। अब ध्यान दो, जो आपका क्वेश्चन आएगा ना क्वेश्चन, उसको मैं दो पार्ट में हमेशा डिवाइड करता हूं, एक तो नॉर्मल केस स्टडी और एक बिजनेस केस स्टडी। सर बिजनेस मतलब, बिजनेस मतलब जहां पे SCMP आता है। आप अगर केस स्टडीज 1 to 15 देखोगे ना, 1 to 15, तो उसमें DT IDT FR ये सब पूछते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली ट्रेस हो जाता है आपके आंसर से, क्वेश्चन आंसर सीधा ट्रेस हो जाता है। ये केस स्टडी आपको कैसे देते हैं, पैरावाइज देंगे, ठीक है, या फिर आपको पूरी स्टोरी दे देंगे, ठीक है, पैरा या तो स्टोरी दे देंगे। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्वेश्चन वो रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं बिजनेस केस स्टडी की बात कर रहा हूं तो आपको रेफर करना है RTP का केस स्टडी 1, ये भी मैंने कराई हुई है और यहां पे भी मैंने बिजनेस वर्सेस नॉर्मल का डिफरेंस समझाया था। ये केस स्टडी में आपको कोई भी बिजनेस या कोई भी सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल देंगे आपको और इसमें एसेंशियली SCMP का क्वेश्चन होगा। ऊपर यहां पे SCMP का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, यहां पे होता है, ठीक है, और यहां पे इसकी लेंथ बड़ी होगी, ह्यूज होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये 9 पेजेस का था,
ठीक है, और इसमें बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, इसमें कम होगी क्योंकि इसमें मैंने बोला क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, इसमें बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। आप ये केस स्टडी और ये केस स्टडी खुद देखना एंड ये जो मैं डिफरेंस बोल रहा हूं उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करना। अब जो मैंने एमटीपी देखा ना इस बार का एमटीपी, तो उसमें चार नॉर्मल आई और एक बिजनेस आई, चार नॉर्मल और एक बिजनेस। देखो आपका पेपर आएगा 125 मार्क्स का, जिसमें पांच केस स्टडीज होंगी ऑफ 25 ईच। आपको अटेम्प्ट कौन सी करनी है? चार। अगर एग्जाम में भी ये सेम पैटर्न आई तो देखना आप इसको अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, एस सी एम पी वाली केस स्टडी को इज्जत से छोड़ देना और ये चार अटेम्प्ट करके आना। और लॉजिकली भी आपने यही किया होता अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपका एस सी एम पी वीक है तो इज्जत से ये छोड़ के आ जाना, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, ये केस स्टडी को पढ़ने समझने इंटरप्रेट करने में जितना टाइम आपका बचेगा ना, उसमें आप वो टाइम आप यहां पे डिवोट कर सकते हो। और अपन को चाहिए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो इज्जत से ये छोड़ देना। बात समझ में आई? कौन सी? बिजनेस वाली। लेकिन अगर ये दो आई और ये तीन आई तो करना पड़ेगा। अगर बिजनेस दो आई और नॉर्मल तीन आई तो फिर देखना कौन सी इजी वाली है कौन सी छोटी है। और मेरी मेरी जो इंट्यूशन है मॉक टेस्ट पेपर देखने के बाद, वो ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूट वन और फोर का अप्रोच फॉलो करेगा। बिकॉज इंस्टीट्यूट को भी स्टूडेंट्स को पास करना है ना, 0% रिजल्ट नहीं देना है, ठीक है। टू और थ्री आए, अगर टू और थ्री तो भी देखो 3 × 25 = 75 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में है अभी भी। बात समझ में आ रही है? तो ऑल इन ऑल गाइडेंस मैंने आपको क्या दिया कि आपको लॉ ऑडिट ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके बाद आप एस सी एम पी प्रिपेयर करना, और अगर एग्जाम में बिजनेस केस स्टडी आया तो छोड़ देना, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक बार मैंने इन लोगों को एड्रेस नहीं किया, तुम लोगों की पोजीशन रिलेटिवली आईबीएस के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी है, आईबीएस के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अपने पांच सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, प्लस टाइम बचे तो लॉ कर लेना, टाइम बचे तो, ठीक है, और उसके बाद भी टाइम बचे तो थोड़ा बहुत एससीएमपी कर लेना। सर ये ऐसे तो हम ऐसे ही करने वाले थे, अग्री, ठीक है। और आपको भी ये वाला रूल अप्लाई होता है 4:1 वाला, कि अगर बिजनेस केस स्टडी आती है एससीएमपी के तो छोड़ देना उसको, ठीक है। बाकी मैं जितनी केस स्टडीज करा रहा हूँ यूट्यूब पे वो तो सारी करके जाना, उसमें से एक भी छोड़ के मत जाना। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गए आपका सीधा जैकपॉट है, जैकपॉट है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये सारी डिटेल्स मैं वहां पे दे दूंगा, और पढ़ते रहो केस स्टडीज में आपको सारी सॉल्व करा ही दूंगा। अपनी कितनी हो चुकी है, अपनी 12 + 2 = 14 केस स्टडीज हो चुकी है आउट ऑफ 25, ठीक है। तो सारी सॉल्व कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, काम अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर देना, मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, मैं एक बार नंबर भी लिख देता हूँ अपना 6358153809। आप मुझे कहीं से भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट करना, सीधा कॉल मत कर लेना, ठीक है, मैं डर जाता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, केस स्टडीज वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।